हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। बस मैं रिव्यू करने वाली हूँ फार्माकोलॉजी का सिलेबस। तो देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट क्या है फार्मा की। पहला है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन क्या होते हैं, देन सोर्सेस, टर्मिनोलॉजी यूज, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फार्माकोडायनेमिक्स, एक्शन, थेरापेटिक, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शंस, एक्सक्रिएशंस। देन रिव्यू करना है आपको वापस से, क्योंकि आप फंडामेंटल में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, रूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, देन इंडियन फार्माकोपिया, लीगल इशूज, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, प्रिंसिपल ऑफ थेरापी। सेकेंड हमारा कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज लाइक पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है, सिफेलोस्पोरिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, मार्कोलाइड्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, देन सल्फोनामाइड्स, क्यूनोलोन्स, एंटी एमिबिक, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमेंथिक, एंटी स्केबीज एजेंट्स, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग्स, एंटी लिप्रोसी ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, इम्यूनो सप्रेसेंट, इसके अलावा कंपोजिशन, एक्शन, डोजेस, रूट्स, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिटी एंड रोल ऑफ नर्स। देन आपका नेक्स्ट यूनिट 3 है, जिसमें फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज इन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना है एंटीसेप्टिक क्या होता है, कंपोजिशन क्या है उसका, एक्शन, डोजेस, शूट, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिटी एंड रोल ऑफ नर्स। देन डिसइंफेक्टेंट के बारे में और इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट आपका यूनिट है 4 में आपको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन GI सिस्टम। इसमें है आपको एंटी इमेटिक, देन इमेटिक, प्यूरकेटिव्स, एंटासिड, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक्स, फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, थेरेपी, एंटी डायरियल और हिस्टामिन। इसी में आपको पढ़ना है क्या, कंपोजिशंस, एक्शंस, डोजेस, रूट, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग्स इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिटी, रोल ऑफ नर्स। हर एग्जाम में अगर आता है एंटी इमेटिक ऐसे करके तो आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट आपका है 5। इसमें आपको पढ़ना है ड्रग्स यूज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन से ड्रग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आपका एंटी अस्थमेटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स, डिकनजेस्टेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी टिश्यूई, ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, एंटीहिस्टामिन्स। सबके आपको कंपोजिशंस, एक्शन, डोजेस, रूट्स, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स लिखना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका 6, जिसमें आपको बताना है ड्रग्स यूज इन यूरिनरी सिस्टम। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डायबिटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक, एसिडिफायर्स, एलानाइजर्स, देन कंपोजिशंस, एक्शन, डोजेस, रूट्स, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट यूनिट है आपका मिसेलेनियस में, ड्रग्स यूज इन डी एडिक्शंस, ड्रग्स यूज इन CPR एंड इमरजेंसी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीडोट्स, एंटीवेनम, वैक्सीन एंड सीरा। नेक्स्ट आपका यूनिट है 8, जिसमें आपको पढ़ना है ड्रग्स यूज इन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर स्किन, आई, ईयर, नोज एंड बक्कल कैविटी, एंटी प्यूरेटिक्स, कंपोजिशंस, एक्शंस, डोजेस, रूट इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट यूनिट है आपका 9, जिसमें आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक एंड अप्लाइड फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स। एनाल्जेसिक में भी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स। इसमें आपका आ जाएगा ओपोइड्स, नॉन ओपोइड्स, ट्रांक्विलाइजर्स, देन जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक, गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक, मसल्स रिलैक्सेंट। देन है आपका मेजर ट्रांक्विलाइजर्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेशेंट, एंटी कन्वल्जेंट, एडर्जिक, नॉन एडर्जिक, मूड स्टेबलाइजर, एसिटाइल कोलिन, स्टिमुलेंट्स। आपका है यहाँ पे कंपोजिशंस, एक्शन, डोजेस, रूट, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स, सबके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिट है इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम वाला। नेक्स्ट यूनिट 10 है कार्डियोवैस्कुलर, हीमैटिनिक्स, देन कार्डियो टॉनिक्स, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडायलेटर्स, एंटी एरिथमिक, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स, देन लिपिडेमिक्स, कंपोजिशंस, एक्शन, डोजेस, रूट, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शंस,
साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिटी एंड रोल ऑफ नर्स, सब में यही करना है आपको। देन जो 11th यूनिट है वो क्या है, ड्रग्स यूज फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन, कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP कहते हैं। इसमें आपका इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थायराइड सप्लीमेंट्स एंड सप्रेशेंट, स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट, ओरल कंट्रोसेप्टिव, अदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशंस, कोर्टिकोट्रोफिन एंड गोनाडोट्रोफिन, एड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्सिट्रोनिन, कैल्शियम सॉल्ट। इसमें आपका कैल्शियम रेगुलेटर्स, कंपोजिशंस, एक्शन डोजेस, रूट इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। और आपका लास्ट यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स यूज इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। तो ये रहा आपका पूरा फुल रिव्यू ऑफ सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।